शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने गतरोज चांदूर बाजार तहसील में खेतों का मुआयना करते समय किसानों की समस्याओं को लेकर कृषि विभाग को जमकर खड़े बोल सुनाए हैं। राज्य मंत्री बच्चू कड़ू का कहना रहा कि कुछ दिनों पहले ही राज्य के किसानों को बोगस बीजों की वजह से दोबारा बुआई का सामना करना पड़ा। वहीं अब चांदूर बाजार तहसील से जिले के कई क्षेत्रों में अज्ञात रोग की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हो रही है, लेकिन सरकार तथा कृषि विभाग द्वारा किसानों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने कहा कि सरकार ने जल्द से जल्द किसानों को बोगस बीज देने वाली सरकारी कंपनी महाबीज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। विगत 2 माह से अमरावती शहर के विभिन्न रिहायशी इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। ऐसे में बारिश के मौसम के दौरान लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की ओर मनपा प्रशासन का ध्यान दिलाने हेतु सोमवार 24 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की ओर से महापौर व मनपा आयुक्त के कक्ष के सामने मोमबत्ती जलाकर आंदोलन किया जाएगा। इस विषय को लेकर बेहद आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत ने बताया कि इन दिनों मनपा प्रशासन व सत्ता पक्ष का ध्यान जन समस्याओं की ओर बिल्कुल भी नहीं है, अतः प्रशासन की आंखें खोलने के लिए मोमबत्ती जलाओ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। विगत दिनों मनपा में उजागर हुए शौचालय घोटाला मामले तथा सरकारी तिजोरी से अपहार को लेकर 2 दिन पूर्व गिरफ्तार किए गए योगेश कावरे के बडनेरा स्थित घर की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा तलाशी ली गई है। शुक्रवार की शाम हिरासत में लिए गए योगेश कावरे को 25 अगस्त तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश गत रोज ही स्थानीय अदालत द्वारा दिया गया था। जिले में घटित 2 अलग अलग वारदातों में नदी में डूब जाने के चलते 2 लोगों की मौत होगी। पहली घटना गणोजा देवी से गणोरी मार्ग पर घटित हुई, जहां पर नदी पात्र में पूजन सामग्री विसर्जित करने गए भातकुली तहसील के कानफोड़ी गांव निवासी 60 वर्षीय दिवाकर काशीराम साबले की नदी में बह जाने से मौत हुई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को हरतालिका का पूजन करने के बाद गणोजा देवी परिसर निवासी कई महिलाएं शनिवार को पूजन सामग्री विसर्जित करने नदी किनारे इकट्ठा हुई थी। इस समय बारिश के चलते नदी में पानी का बहाव तेज था और एक महिला ने अपनी पूजन सामग्री विसर्जित करने के लिए साबले के पास दी। पूजन सामग्री विसर्जित करते समय साबले का पैर फिसल गया। बाद में घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की और साबले का शव गणोरी बांध के पास पाया गया। वहीं दूसरी घटना वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वज्रखेड़ कामुंजा पुल पर घटित हुई, जहां से अपना काम निपटाकर घर जा रहे वज्रखेड़ निवासी सचिन रामराव राउत नामक युवक पुल के नीचे पीड़ी नदी में गिर गया। यह बात ध्यान में आते ही रास्ते से गुजर रहे लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। गत रोज शहर के 123 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में बड़े विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश की स्थापना की गई और सभी गणेश मंडलों द्वारा बेहद सादे व सामान्य ढंग से गणेशोत्सव मनाते हुए रोजाना सुबह शाम भगवान गणेश का पूजन किया जा रहा है। शहर के आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल, नीलकंठ गणेशोत्सव मंडल, न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल, टोपेनगर गणेशोत्सव मंडल तथा श्रीकृष्णपेट गणेशोत्सव मंडल से शहर के कई बड़े गणेशोत्सव मंडलों द्वारा प्रतिवर्ष बड़े भव्य दिव्य तरीके से गणेशोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना का खतरा जारी रहने के चलते कहीं पर भी गणेशोत्सव की पहले जैसी धूम नहीं दिखाई दे रही और बेहद कम सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। अमरावती में रविवार को 144 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय से RT-PCR टेस्टिंग के जरिए 114 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 30 लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए। अमरावती जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या अब 4,566 हो चुकी है, जिसमें से बीती रात तक 110 मरीजों की मौत हो चुकी है। अमरावती में बीती रात ही 3 संक्रमित मरीजों की मौत हो जाने की जानकारी सामने आई, जिसमें 2 पुरुषों व 1 महिला का समावेश रहा। वहीं इस समय अमरावती में कुल 1,209 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की लगातार बढ़ती और भारी भरकम संख्या भी अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। वहीं दूसरी ओर जून व जुलाई माह के दौरान अकोला जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई थी और यहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब अकोला में जहां एक ओर कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है और आए दिन अनेकों कोरोना संदिग्ध मरीजों की कोविड टेस्ट करने के बावजूद अब इक्का दुक्का लोगों की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आ रही है। यह अकोला जिले के लिहाज से एक राहत वाली खबर कही जा सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी रविवार को अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे। इस समय उन्होंने दस्तूरनगर परिसर के माउली पॉइंट पर राकापा शहर कार्यकारिणी तथा गाड़गेनगर परिसर स्थित वराडे मंगल कार्यालय में ग्रामीण कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से चर्चा की। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
विगत 17 अगस्त को एक महिला की हत्या के आरोप में नामजद किए जाने के बाद हाईकोर्ट से जमानत पर छूट कराए नासिर खान नामक व्यक्ति की लाश अकोटफैल थाना क्षेत्र के डंपिंग ग्राउंड के पास पड़ी पाई गई थी। हत्यारों ने हत्या से पहले नासिर के हाथ पैर भी तोड़ डाले थे। इस मामले में काफी जद्दोजहद व तहकीकात के बाद पुलिस ने शेख जावेद, शेख मुख्तार तथा अरमान खान, नियाज खान नामक दो लोगों को घोड़ेगांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरावती नागपुर हाईवे पर मोजरी से शिंदोला गांव की ओर जाते समय संजय कामले नामक एक व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार होकर रास्ते के किनारे पड़े तड़प रहा था। इस हादसे की जानकारी मिलते ही युवा अलायंस ग्रुप के सदस्यों ने तत्काल संजय कामले को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके चलते संजय कामले की जान बचाई जा सकी। इस कार्य हेतु युवा अलायंस ग्रुप की सर्वत्र सराहना की जा रही है। विगत कुछ दिनों से जिले में चहुं और झमाझम बारिश हो रही है, जिससे सभी छोटे बड़े व मध्यम प्रकल्पों का जल स्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते रविवार को जिले के सापन बांध के दो दरवाजों को 5 सेंटीमीटर खोल दिया गया। यहां से प्रति सेकंड 6.78 घन मीटर जल विसर्ग किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शाहनूर बांध भी 90% भर चुका है और सिंचाई विभाग द्वारा इस बांध के दो दरवाजों को अब किसी भी वक्त खोला जा सकता है। ऐसे में अंजनगांव व दरियापुर तहसील में शाहनूर नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों को पूरी तरह से सतर्क कर दिया गया है। इन दिनों भातकुली शहर के विभिन्न हिस्सों में बंदरों द्वारा जबरदस्त उत्पात मचाया जा रहा है, जिससे यहां के नागरिक त्रस्त हो चले हैं। भातकुली शहर के विभिन्न इलाकों में पूरा दिन बंदरों के झुंड घूमते रहते हैं और लोगों द्वारा जमा करके रखे गए अनाज का काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में नगर पंचायत प्रशासन द्वारा वन विभाग से इन बंदरों का जल्द से जल्द बंदोबस्त करने को कहा गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।